सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2x जो है इसको x माइनस 3 के साथ भी प्रोडक्ट होगा और माइनस 1 जो है इसको भी x माइनस 3 के साथ प्रोडक्ट होगा, यानी x के साथ भी 3 के साथ भी इक्वल। इस तरह से x इंटू एक्स माइनस 1 यहां से आएगा प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बन जाएगा। यहां से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x बन जाएगा, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, प्लस 3। यहां से राइट हैंड साइड में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, एक के साथ माइनस साइन है एक के साथ प्लस साइन है, माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े का आएगा, बड़े का साइन प्लस है तो यहां पे साइन प्लस बन जाएगा, 5 में से एक निकालेंगे तो 4x माइनस 5ac। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, इसका भी नेगेटिव बन जाएगा, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस 11x बनेगा, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस साइन है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, प्लस 5 प्लस 3 इज 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे डिग्री देखिए, डिग्री इसकी 2 है तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो पार्ट नंबर 5 हमने पढ़ा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर। लेफ्ट हैंड साइड तो इसका ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, और राइट हैंड साइड जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होने वाली है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वही लिखेंगे हम, यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हियर a की जगह पे x है एंड b की जगह पे 2 है। अब इस वाले साइड को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 2। ठीक है यहां तक। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको ऐसे ही रखेंगे, यहां से x स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4, तो ये 4x बन जाएगा। अब इस वाले पोर्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। यहां से ये वाला x स्क्वायर कट हो जाएगा, कैंसिल आउट होंगे, 3x प्लस 4x इज 7x, यहां पर प्लस 1 है और माइनस 4 है, एक के साथ पॉजिटिव साइन है एक के साथ नेगेटिव, तो माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े का आएगा, बड़े का साइन माइनस है, 4 में से एक निकालेंगे 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है तो ये 2 होनी चाहिए थी, तो 2 डिग्री हमें नहीं मिल रही है तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन हमें दिया गया है इसमें एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, a प्लस b का होल क्यूब, यूजिंग a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। हियर यहां a की जगह x है एंड b की जगह 2 है हमें। अब देखिए इसको इस तरह से बनाना है हमें, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्म में है तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, a क्यूब की जगह x क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 2 क्यूब प्लस 3a की जगह x मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 2 इनटू x प्लस 2 a प्लस b इक्वल टू, यहां हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2x और x स्क्वायर के साथ जब इसका प्रोडक्ट होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा, फिर ये माइनस 2x बन जाएगा, 2x और मल्टीप्लाई जब इसको माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2x बन जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, x क्यूब
प्लस 2 का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8 2 का क्यूब 8 आता है प्लस 3 2 जार 6 तो ये 6x बन जाएगा इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए इसको और सिंपलीफाई थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पे देखोगे तो ये माइनस टू ये टू एक्स जब हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो एक एक्स क्यूब में से दो निकाल लें तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। यहीं पे हमें पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में नहीं आने वाला है, तो यही से हमें साबित हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। फिर भी हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, एट भी ऐसे ही रखेंगे, 6x को जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 26 और 12x, इनको भी अब लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आते हैं 2x क्यूब यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा 2x इक्वल टू जीरो। इसके साथ पॉजिटिव साइन था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव साइन था जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो इसका साइन चेंज हो रहा है और ये प्लस बन रहा है। अब देखिए एक एक्स क्यूब में से दो एक्स क्यूब निकालेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, प्लस 8 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कोई नहीं है, इसको प्लस 8 को ऐसे ही रखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 12x प्लस 2x इज 14x इक्वल टू जीरो। अब इसकी डिग्री अब जब हम देख रहे हैं कि इसकी डिग्री 3 है तो ये किस फॉर्म में नहीं है, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं है, तो सिंपली इसको आप लिख सकते हो कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एक स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं इसके अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट जो कि इसका आठवां पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहां भी देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 2 का होल क्यूब है तो इसमें भी हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल होने वाली है, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b, इसका इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x क्यूब ऐसे ही रखेंगे माइनस 4x स्क्वायर भी ऐसे ही रखेंगे माइनस x प्लस 1 भी ऐसे ही, यहाँ पे इसको आइडेंटिटी थी तो वही इस्तेमाल हम कर रहे हैं, a क्यूब की जगह x क्यूब आ जाएगा माइनस b क्यूब की जगह 2 क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू a की जगह x b की जगह 2 इंटू a की जगह हमें x है और b की जगह हमें 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू यहां से एक्स क्यूब ऐसे माइनस 2 का क्यूब 8 है और ये क्या बन जाएगा माइनस 3 2 आर 6 और x मल्टीप्लाई x इज एक्स स्क्वायर तो ये माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 2 आर 6 2 आर 12 12x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू जीरो। जिनका साइन नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, जिनका पॉजिटिव है उनका नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है इसके साथ नेगेटिव, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, एक के साथ माइनस साइन है एक के साथ प्लस साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन बड़े का आएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x दोनों सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट साइन है इनके साथ माइनस साइन है इनके साथ तो प्लस बन जाए प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, इसी तरह से प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है 2, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने चेक किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और कॉन्सेप्ट क्या था हमें देखना था, चेकिंग चेक करना था हमें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो टाइटल ही है चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।